लगता है आप सभी को 5 रुपए नमस्कार करता हूँ। और आज हमारे सामने रश्मि जी हैं और इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है और कई सीरियल्स में भी काम किया है। एक सीरियल में ये अभी काम कर रही हैं, रिश्तों की घुटन, और इस फिल्म में भी मेरे साथ काम कर रही है जिसमें मेरी ये दादी का रोल कर रही हैं। ये राजा डोली लेके आ जाए जिसमें ये मेरी दादी का रोल कर रही हैं। और आज जन्माष्टमी का शुभ अवसर है तो मैं आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और आप इससे बात कीजिए। नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा, मैं इस फिल्म में आर्यन की दादी का रोल कर रही हूँ और आम्रपाली जी की माँ का किरदार निभा रही हूँ। मेरा अभी लेटेस्ट में सीरियल आ रहा है रिश्तों की घुटन, जो एफजी कूल पर है, तो आप लोग उसको देखिए और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। इसके अलावा मैंने बहुत फिल्में की है, भोजपुरी फिल्में की है, आप मुझे पहचान भी सकते हैं क्योंकि गेटअप चेंज हो जाता है, इससे आप पहचान सकते हैं। और मैंने रवि किशन जी के साथ में राधे भोजपुरिया की, वो मेरी फर्स्ट मूवी थी। और आज सब जितने भी हीरो हीरोइन हैं अधिकांश लोगों की मैं माँ और सास बन चुकी हूँ। तो और इस समय मैं बहुत वेब सीरीज भी कर रही हूँ। फिलहाल इस समय जो मेरा चल रहा है रिश्तों की घुटन, वो आप देखिए और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। धन्यवाद। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है वो लोकेश मिश्रा जी हैं और जो डायरेक्टर है वो सुजीत सर हैं, DOP है फिरोज खान सर। और मुझे ये फिल्म करके बहुत अच्छा लग रहा है, हम दोनों को ये फिल्म करके बहुत अच्छा लग रहा है। फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है राजा डोली लेके आ जा। अच्छा। और इस पे गाना भी आएगा और आज जन्माष्टमी का दिन है तो एक मैं गाना सुनाना चाहूँगा जन्माष्टमी का। मदन मोहन सदन वन में खड़ी बंसी बजाते हैं, मदन मोहन सदन वन में खड़ी बंसी बजाते हैं, कभी गैया कभी बछिया कभी बछड़े चराते हैं। मदन मोहन सदन वन में खड़े बंसी बजाते हैं, कभी गंगा कभी जमुना कभी सरजू नहाते हैं। मदन मोहन सदन वन में खड़े बंसी बजाते हैं, कभी मेवा कभी मिश्री कभी माखन चुराते हैं। मदन मोहन सदन वन में खड़े बंसी बजाते हैं। और बहुत अच्छा गाया आपने बेटा। आर्यन के बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? कैसा आर्यन? बहुत होनहार लड़का है, मतलब ये हर समय एक्टिव रहता है, हर समय जिस समय जब भी कह दीजिए तुरंत ये स्टार्ट हो जाता है, बहुत एनर्जेटिक है। ईश्वर करे ये ऐसे ही एनर्जेटिक बना रहे और ऐसे ही हम लोग सबके साथ में काम करता रहे और आगे बढ़े और बाद में एक अच्छे हीरो के रूप में सामने आए हमारे। और जो मैंने ये जन्माष्टमी का सॉन्ग सुनाया वो मेरी नानी माँ ने मुझे सिखाया है, तो आप सभी ऐसे ही मेरे इस चैनल को आर्यन बाबू एंटरटेनमेंट को लाइक सब्सक्राइब जितना से जितना हो सके शेयर करें और मेरे पेज आर्यन राज को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा ज़रूर दबाएं।